जय नमस्कार इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट थे, बहुत सारे बंदों के कमेंट थे, क्योंकि अग्निवीर की भर्ती आने वाली है और चलती भी रहती है। बहुत सारे बंदों को हाइट का डाउट रहता है क्योंकि आपको पता नहीं रहता। मैं इतना गारंटी देता हूं आपको कि इस वीडियो में मैं आपको 1 से 1.5 सेंटीमीटर आपका मेजरमेंट के तरीके से, खड़े होने के तरीके से कैसे आपका हाइट इम्प्रूव होगा वो बताऊँगा। बाकी आपको अगले वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आपकी 1 से 1.5 सेंटीमीटर हाइट कैसे बढ़ सकती है, कौन कौन सी एक्सरसाइजें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपकी हाइट रुक जाती है और बढ़ती नहीं है। किसी किसी बच्चे का ये भी डाउट रहता है कि सर मेरे मम्मी पापा की लंबाई बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरी लंबाई कम है। ये होता है अक्सर कि आपकी कुछ एक्टिविटी की वजह से, आपकी कुछ एक्सरसाइजों की वजह से आपका हाइट इम्प्रूव नहीं होता और छोटे रह जाते हो। तो उसी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको 1 से 1.5 सेंटीमीटर आपको हाइट इम्प्रूव करना और अपने आप को खड़ा करना, अपने आप को प्रेजेंट करना और कैसे खड़ा होना है, ये सारे के सारे तरीके बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले जब भी आप जाएंगे हाइट मेजरमेंट कराने तो सबसे पहले आपको बिल्कुल सामने देखना है, कम से कम आपको 5 से 10 मीटर की दूरी पे देखना है। और एक चीज, ये चेस्ट को अप करके रखना है। ये वाला एरिया सबसे ज्यादा ये वाला एरिया डाउन होता है। ये आप इसको डाउन करो, देखो ये सिकुड़ गया पूरा एरिया। अभी देखो एक चीज, बिल्कुल बहुत लॉजिक वाली बात बताता हूँ, पैर जोड़ दो। सबसे पहला पॉइंट, आपको ये पैर जोड़ के खड़ा होना है, इस वाले घुटने को टाइट करना है। अब देखना लॉजिक, आप देख लो इधर, यहाँ पर देख लो, ये यहाँ पर है, बॉडी को डाउन कर दो। देख लो बॉडी को डाउन किया, यहाँ से यहाँ कम से कम 1 से 1.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट चली गई। अब यही एक्टिविटी आपको करना है वहाँ पर, जब भी आप खड़े होंगे तो अपने बिल्कुल चेस्ट को अप करना है, बॉडी को बिल्कुल यहाँ से टाइट करना है, यहाँ से टाइट करना है। और एक चीज़, बिल्कुल सांस को रोक के रखना है। सांस को अप डाउन करोगे तो बॉडी में यानी लूजपन आएगा, तो ये खड़ा करना है। चलिए बस आ जाओ। अब एक चीज, कभी कभी किसी किसी बंदे का बिल्कुल माइनर हाइट होता है। आपका क्लर्क में देखते हो, देखो क्लर्क वालों के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होती है, जीडी वालों के लिए हाइट लगी हुई है 170 सेंटीमीटर। अब क्लर्क वालों के लिए भी देखो, हाइट मेजरमेंट किसी का भी हो, आप ये डंडा मैं नीचे कर दूंगा 162 में कर दूंगा, फिर भी आपका वही रहेगा कि आपको खड़े होने का तरीका ही करना होगा, आपको बिल्कुल टाइट रखना होगा। और एक चीज, कभी भी उसको उसकी तरफ देखना नहीं है, ये जो डंडा होगा उसकी तरफ आपको देखना नहीं है, आपको ये वाला हिस्सा यहाँ पे प्रेजेंट करना। और आगे आ जाओ थोड़ा, ये अब देखो वहाँ पर आपका दो तरीके से आपका हाइट मेजरमेंट होगा। ये वाला है, ये वाला तो कभी रहेगा नहीं वहाँ पर, एक पटरा के टाइप में रहेगा या तो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। ये पटरा आपके बराबर आएगा जब आप ये करेंगे, देखो ये करेंगे तो पटरा आपका यहाँ गिरेगा, ठीक। अगर ये करेंगे तो आपका पटरा ये गिरेगा, तो कम से कम 1 सेंटीमीटर हाइट आपका अप होगा। चलो कभी कभी क्या होता है कि आपका वेट ज़्यादा होता है, जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो अपनी बॉडी को टाइट खड़ा नहीं कर पाते, तो मैं उन बंदों को सजेस्ट करूँगा कि जिन्होंने फिजिकल बहुत ज़्यादा नहीं किया, आपका वेट लूज नहीं हुआ है और आप ऐसे हाइट मेजरमेंट में चले गए, जो कम फिजिकल वाला होता है, कम मतलब ज़्यादा टफ नहीं होता उसमें चले गए, जैसे SI में चले गए और पुलिस में चले गए, तो उसमें नॉर्मली होता है, फिजिकल तो आपने निकाले। कभी कभी क्या होता है कि आपका हाइट मेजरमेंट पहले हो जाता है तो आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती। आप फिजिकल करते रहेंगे कंटिन्यू तो आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, लेकिन नहीं करते रहते तो आपकी बॉडी बिल्कुल लूज रहती है। तो उस समय आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले उन बंदों के लिए जिनका फैट ज़्यादा होता है, उन्हें फिजिकल नहीं किया तो बॉडी आपकी एक्टिव नहीं है, तो आपको बिल्कुल टाइट पहले से ही, आपको जब जाएंगे वहाँ पर बिल्कुल टाइट खड़े होंगे, यूँ बिल्कुल टाइट खड़े होंगे और सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। ये नहीं कि आप हाथ इधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जब आप इधर को ऐसे कर देंगे तब भी आपकी हाइट कम हो जाएगी। चलिए।